तेजस्वी के सामने फूट फूट कर रोए करण कुंद्रा। करण ने तेजस्वी के सामने खोला अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। आखिर क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, घर में स्पॉन्सर टास्क खत्म होने के बाद तेजस्वी और करण एक साथ गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान करण कुंद्रा जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करने लगे तेजस्वी से। करण तेजस्वी से कहने लगे कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बुद्धू इंसान हूँ, मैंने अपने परिवार की कभी कद्र नहीं की और ना ही उनके लिए टाइम निकाला। और इसके बाद तेजस्वी को करण अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। करण तेजस्वी से कहने लगे, मेरी 8 साल पहले निशांत के साथ कुछ बात को लेकर अनबन हो गई थी और उसके बाद निशांत ने मेरे से दोस्ती तोड़ ली। और फिर जब मुझे पता चला कि मैं और निशांत बिग बॉस के घर के लिए आ रहे हैं, तो फिर निशांत ने मेरे से बात की और बताया कि भाई आखिर क्यों उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। और उसके बाद जो है अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए करण तेजस्वी से कहते हैं कि मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, मैं अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाया, मैं अपने काम में ही बिजी रहता था और जिसका मलाल मुझे आज भी है। उसी के साथ करण कुंद्रा कहते हैं कि मैं 5-5 साल तक अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता था, यहाँ तक कि मैं काम के चलते अपने लंगोटिया यार की शादी में भी नहीं जा पाया। और इस बात का मलाल मुझे तब हुआ जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। जहाँ पर तेजस्वी जो है करण की बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और तेजस्वी करण से कहने लगी कि क्या अब भी तेरा वही हाल है या फिर तू सुधर गया है। जहाँ पर करण कहते हैं, नहीं तेजू, अब मैं बहुत बदल चुका हूँ, अब मैं अपनों के लिए वक्त भी निकालता हूँ, काम भी करता हूँ और अपने से मिलता भी हूँ जाके। इसके बाद तेजस्वी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आती है और तेजस्वी की भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि करण कुंद्रा जो है अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कैसी लगती है बिग बॉस के घर में आपको तेजस्वी और करण की जोड़ी? फिलहाल बिग बॉस 15 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।